चलते हैं। जो और पतली होते जा रही हूँ। गाइज वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं ऐसे तो बाहर ऐसे टहल रही थी इनके 4 बजे से। और क्या है ना, आजकल मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों सिर में दर्द रहता है। तो अभी मैं फ्रेश हवा ले रही थी, जो कि मेरे आँखों में भी अभी कुछ दिनों से तकलीफ हो रही, तो मुझे लगा फ्रेश फ्रेश हवा मिलेगी तो शायद ठीक रहेगा मेरे लिए। तो मैं काफ़ी देर से टहल रही थी और जगी थी अभी, मतलब मैं सोई ही नहीं हुआ सही बोलो तो। तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग ही शूट कर लेती हूँ अभी सुबह सुबह, तो थोड़ी सी उजाला मिला तो रोशनी आई तो अब दिखाती हूँ। अभी तो जा रही हूँ मैं पानी भर लेती हूँ पीने के लिए, क्योंकि पानी भी नहीं है घर में। और अभी क्या है ना, ये देखो वहाँ पे बोर लगा हुआ है, जो जहाँ पे गाय दिख रही है ना, बछड़ा दिख रहा है ना, वहीं पे बोर्ड है लगा हुआ है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ से पानी भर लेती हूँ, क्योंकि अभी भीड़ बिल्कुल नहीं है, वरना बहुत भीड़ हो जाता, पानी भी नहीं मिलता पीने के लिए। तो मैं जा रही हूँ फटाफट पानी ले आती हूँ पीने के लिए। देखिए मैं यहाँ से पानी भरती हूँ, मैंने बाल्टी ला के रखा हुआ है, मैं बड़ा बड़ा डब्बा ला के मैं पानी भरती हूँ, लेकिन क्या है वो अभी फुल है, जो पानी चलता है वो नहाने के लिए भर के रखे हुए हैं या फिर कूलर में डाले थे। तो अभी पीने के लिए मैं फ़िलहाल तो ले जा रही हूँ, फिर पानी भी भर के अब मैं चलती हूँ घर। पानी वानी भर ली हूँ और मैंने लगभग 8 या 7 बाल्टी पानी भरे हैं। तो अभी मैं थक गई थी काफ़ी, इसके बाद मैं मुँह धोकर अभी फ्रेश फील हो रहा है। और टाइगर को देखो उठा रही थी, और पता नहीं टाइगर के पापा भी उठ गए हैं, मेरे को लगता कहाँ गए हैं। और मधु अभी तक सोए रही है, और अब चलती हूँ मैं नाश्ता वगैरह बनाने, रोटी पहले बना लेती हूँ, रोटी बनाने से बहुत गर्मी लगती है। मेरा काम हो गया, मैं नहा धो फ्रेश होकर आ गई हूँ, और मैंने नाश्ता लेकिन अभी तक नहीं किया, क्योंकि गाइस तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क, बच्चों को घुमाने ले जा रही हूँ, मधु भी जा रही है और टाइगर भी जा रहा है, और टाइगर इधर आगे आगे यहाँ पर। और चलिए दिखाते हैं पार्क में, मस्ती करेंगे आज फूल। तो हम पार्क आ गए हैं, चलो चलो अंदर चलो, इंजॉय करो, किधर जाओ 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 ना, कहीं भी जाओ। देखो टाइगर चला गया, टाइगर आराम से, जाओ उसके पीछे जाओ मधु, कितना शांति है पार्क में, कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहे हैं आने के बाद, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। आराम से टाइगर को देखना मधु, वहां पर है मधु और टाइगर नहीं दिख रहा, कितना मस्त हवा चल रहा है, मौसम कितना अच्छा हो रखा है रियली में। बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं अभी, इधर है घर चले, कैसे लटक रहा है बंदर जैसे, घर चले अब हो गया, कितना खेलोगे, खूब मस्ती कर लिए, अब चलते हैं। हाँ हेलो गाइस, देखो मैं हूँ टाइगर, और देखो दीदी है यहाँ है सपनों में, देखो सब तरफ खाली झूला झूला है गाइस। चले टाइगर, हाँ घर नहीं झूला चले, झूल लिए ना, काफी झूले है ना, अब चलते हैं, चल मधु इसको भी नहीं जाना है, काफी देर इंजॉय किए ना, मस्ती की, अब चलते हैं घर। टाइगर फिर से इसको लटकने के, अभी आएंगे काफी लोग, अभी आएंगे
वो है गेट मेन गेट देखो। साढ़े छः हो गए, देख रहे इसका मस्ती। चला गया। मेरे बच्चे लाकर मुझे बहुत ही अच्छा दो गिफ्ट दिए हैं, ये देखो गुलदस्ता बना के, इसको टाइगर दिया है यहाँ पर इसको, और ये वाला मधु दी है, बहुत प्यारा है इसको, इसको मैं दिया था। हाँ, इसको टाइगर दिया है, इसमें जो लगा है ना। हाँ, चले अब। हाँ चलो चलो चलते हैं। लगा है हाँ, तो खेला इतना है ना, मस्ती किया खूब, तो भूख लगेगी, तो चलते हैं गाइस घर। अब देख सकते हो अभी भी कितना भीड़ हो रखा है पार्क में, कितने सारे लोग हैं, और शाम हो गया तो हम चलते हैं घर। चले आराम से। ऐसा है अभी बाहर का नज़ारा, हम मधु कैसे रखे फूल गुलदस्ता बना के। चलो चलो ठीक है, तो भी आ गए मंदिर, और टाइगर और मधु गए हैं अंदर मंदिर तरफ, दिखाते हैं दोनों आ रहे हैं। चले जल्दी आओ, पंडित जी को प्रणाम किए पहले, पंडित जी बाहर बैठे हुए थे। तो घर आ गए हैं और जा रहे हैं दियाबाती करने, और मेरे फोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है, बंद ही होने वाला है, तो मैं अभी लगा दे रही हूँ चार्ज में। इसके बाद पूजा करके मुझे फटाफट खाना बनाना है, और फिर आपको आगे को दिखाती हूँ। हो गया चार्ज, और बच्चे के बाहर खेलने, मैं बना रही हूँ खाना, दिखाती हूँ। मैं बना रही हूँ सब्जी और चावल रोटी, सुबह का ही है। आज टिफिन पैक करी थी, मेरे हस्बैंड लेकर नहीं गए थे टिफिन, पता नहीं वजह क्या थी, थोड़ा माइंड से डिस्टर्ब लग रहे थे, पर मुझे नहीं बताया, पता नहीं क्यों। तो उन रोटी भी सुबह नहीं खा कर गए, और क्या था टिफिन भी लेकर नहीं गए, तो उनका टिफिन अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या है टेंशन में रहते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बताते ही नहीं, तो मैं कैसे जाऊँ, बताएंगे तो मालूम होगा ना मुझे। तो और मैं भी आजकल थोड़ी बहुत, मतलब क्या बोलूँ, पता नहीं क्यों खाने पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया, इसलिए पतली भी होते जा रही हूँ। बहुत लोग मुझे बोले कि बहुत पतली हो जा रही हूँ, बहुत पतली हो जा रही हूँ, और सच में मैं थोड़ी सी हेल्थ, मतलब थोड़ी मोटी होना चाहती हूँ। और आप लोग को एक राज की बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड को मोटी लड़कियाँ ही पसंद हैं, और जितने भी उनका अफेयर आया है बस यही देखने सुनने को मिला, मतलब जितना भी अफेयर देखने को मतलब मैंने सुना, वो सब सारे मोटी ये लड़की ही थी, क्योंकि उनको मोटी लड़की पसंद है, पर मैं उतनी मोटी होना नहीं चाहती जितना उनको पसंद है, क्योंकि मैं जैसी हूँ मैं ठीक हूँ। खैर, इससे थोड़ी सी हेल्थ बनाना है मुझे भी, क्योंकि मैं अपने आप में ही मुझे लगता है कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, और अभी कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो एक मंथ का ट्रीटमेंट चल रहा था, आप लोगों को जैसे बताई थी ब्लॉग में, पहले का ब्लॉग में, तो उसी की वजह से अभी भी मेरा दवा चल रहा है, तो शायद हो सकता है, तो अभी दवा जैसी मतलब चल ही रहा है, तो फिर से एक बार डॉक्टर को दिखाऊंगी क्या हो गया, भूख नहीं लगती मुझे खाने के लिए, तो बिल्कुल मन नहीं, और पतली होते जा रही हूँ। गाइस हम लोग खा रहे हैं खाना, ये देख लो खाना बन गया हम लोग का, मधु भी इधर खा रही है, मैं भी, मेरा भी खाना इधर रेडी है, और मेरे हस्बैंड और टाइगर गए हैं बर्थडे में, तो मेरे हस्बैंड का दोस्त के बेटे का बर्थडे है, तो दोनों गए हुए हैं, और पता नहीं अगर खाना खा के आते हैं कि नहीं, नहीं खा कर आएंगे तो खाना ऐसे भी घर में है, और खाना खा के आते तो फिर खाना बच जाएगा तो फ्रिज में रख दूँगी। तो गाइस वीडियो बहुत हो जाएगा, लंबा करते हैं यहाँ पे एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और प्यारा प्यारा सा कमेंट्स करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक।